And India's new army chief, the 28th chief of the army staff, General Mukund Manoj Naravane, has spoken first and exclusively to India today. And he sent out a tough message to Pakistan. सेना की कमान संभाली है. जनरल साहब को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आपसे जानना चाहूंगा क्या प्राथमिकताएं होंगी सेना प्रमुख के तौर पर आपकी, इससे पहले अपने वाइस चीफ के तौर पर सेना के काम को देखा है. एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया और सेना की कमान संभालने पर मुझे बहुत सम्मान है और मैं यही कोशिश करूंगा कि जो हमने अभी तक दर्जा हासिल किया है उसको हम कायम रखें और भी आगे बढ़ें. हर सेना की कोशिश यही रहती है कि वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहे, लेकिन ये तैयारी जो है वो एक दिन का काम नहीं है. ये लगातार हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, हर दिन, हर हफ्ते, हर साल, और इसी कोशिश पर हम पूरी जोर लगाएंगे. सेना को तैयार रखना, इसमें कई पहलू हैं. इसमें मॉडर्नाइजेशन भी आता है, ट्रेनिंग भी आता है, जवानों का मनोबल भी इसमें शामिल है. तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे ताकि हम हर वक्त किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हों. सर, सेना के सामने कश्मीर एक बड़ी चुनौती होती है. वहाँ के जो हालात हैं, सीमा पार से जिस तरह की कोशिशें होती हैं, पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता है कि आतंकवाद के नाम पर वो एक विक्टिम बनने की कोशिश करता है, जबकि सीमा पार से लगातार हम देख रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन होते हो रहे हैं, वहाँ पर आतंकी घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं. उसको, उस चुनौती को कैसे निपटेंगे और क्या हालात इस वक्त आप देखते हैं? वो 5 अगस्त के बाद JNK में जो हालात हैं उसमें काफ़ी सुधराव हुआ है. जो कार्रवाइयाँ होती थी पथराव की या जो टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं. तो ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि JNK में जो हालात हैं वो अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी भी सरहद के उस पार, LC के उस पार अभी भी टेररिस्ट कैंप हैं और टेररिस्ट उन कैंप में है, लॉन्च पैड में हैं, और उनकी कोशिश जारी है कि वो घुसपैठ करके हमारे तरफ आए और आतंक मचाए. लेकिन इसको रोकने के लिए हम पूरे तैयार हैं. हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है और जब कभी ये कोशिश करेंगे मैं कह सकता हूँ कि वो कोशिश उनकी नाकामयाब होगी. आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान की कोशिशें ज़्यादा हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और सरहद सीमा पार पर भी. अभी आपको लगता है कि सेना की क्या स्टैंड रहेगा उनके खिलाफ? उनकी कोशिश जरूर रही है ग्लोबली भी कि वो ये दिखाने की कोशिश करें कि टेररिज्म का असर उन पर भी हो रहा है. UN में भी उन्होंने कोशिश की कि इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन सारे ये उनकी कोशिशें जो है असफल रही हैं. और मेरे ख्याल से इस बात को अभी कोई नहीं मान रहा कि जो हमारे यहाँ हो रहा है उसमें उनका हाथ नहीं है. सर, सेना के आधुनिकीकरण को लेकर और जो रिस्ट्रक्चरिंग की हम बात करें, IBG बनाने की बात थी, उस पर भी आपने काम किया पुराने सेना प्रमुख के साथ मिलकर. मेक इन इंडिया की काफ़ी बातें होती हैं सेना को, उस पर आप उस मिशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये जो IBG की कार्रवाई है वो तकरीबन अभी 1-1.5 साल से ये प्रस्ताव चल रहा है. इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिगेड और डिव लेवल के जो यूनिट थे वो सीधा जो है कोर के नीचे काम कर पाए. तो ये एक बहुत सोच विचार के बाद हमने ये प्रस्ताव आगे लिया है और ये एकदम से नहीं होगा. इसको हम पहले हमने आपस में बातचीत की, फिर हमने जो हम सैंड मॉडल करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उस दौरान हमने इसके ऊपर सोच विचार किया. फिर जो एक्सरसाइज विद ट्रूप्स होता है, जब हम बाहर जाते हैं ट्रेनिंग में, उस दौरान भी हमने इस पर प्रैक्टिस किया और गौर किया, और इस पूरे को करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं
कि ये किया जा सकता है और तभी हम ये इस पर अभी आगे बढ़ेंगे. लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कभी हम ये फैसला लेते हैं, ये नहीं है कि एकदम से वो आईबीजी की कार्रवाई शुरू होगी. एक कोर को आईबीजी के रूप में बदलना, इस कार्रवाई को कम से कम 2 साल लगेंगे. तो इस 2 साल के अंतर्गत अपने आप जो छोटी मोटी चीज़ें और हमें देखनी चाहिए ताकि ये एक सफल हो, वो हम करते रहेंगे. एक सवाल सर, दूसरे फ्रंट पर आप, क्योंकि इसमें आर्मी कमांडर के तौर पर आपने काम किया, माउंटेन स्ट्राइक कोर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, और हाल में हमने एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी वहाँ पर किया था, उस दिशा में कितनी तैयारी है हमारी? जैसे आपने जिक्र किया, अभी एक एक्सरसाइज किया गया था 17 कोर ने, जिसका नाम एक्सरसाइज हिम विजय था. 17 कोर तकरीबन 5-6 साल हो गए उसको रेज हुए, लेकिन कोर ने अभी तक कभी कोर की तरह एक्सरसाइज नहीं किया था. और ये आईबीजी का जो मॉडल है, कंसेप्ट है, ये भी हम देखना चाहते थे कि क्या ये 17 कोर के लिए भी लागू हो सकता है या नहीं. तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक्सरसाइज किया गया और ये एक्सरसाइज बहुत सफल रहा. हम अभी इस एक्सरसाइज की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और एक बार जब हम देख लेंगे तो 17 कोर भी आईबीजी मॉडल पर बनाया जाएगा. और मैं यही कह सकता हूं कि अभी 17 कोर अपना काम करने के लिए पूरा तैयार है. सर, एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसकी लंबे समय से करगिल युद्ध के बाद से मांग थी, वो पूरा हुआ. और आपको लगता है कि जो जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में आगे तीनों सेनाओं के बीच जो बात की जा रही है कि बेहतर तालमेल हो सब मोर्चों पर, वो काम आगे बढ़ेगा? CDS का गठन से हम काफ़ी खुश हैं और CDS का होना एक बहुत ज़रूरी था. और आगे जाके मुझे कोई शक नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि जो तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इससे देश को फायदा ही होगा. बहुत धन्यवाद सर, आज तक से. थैंक यू. So that's General Manoj Mukund Naravane, India's 28th Chief of the Army Staff. He takes over from General Bipin Rawat, who demitted office today and tomorrow will be taking over historically as India's first Chief of Defence Staff. Well, just a day after General Rawat was appointed as the country's first Chief of Defence Staff of India, the Congress has questioned the appointment of the CDS. That's right, politics has broken out over this high-level military appointment. In a tweet, Congress leader and Member of Parliament Manish Tewari has questioned why the appointment of CDS was fraught with difficulties and ambiguities. He's put out 11 questions on social media and said that the role and responsibilities of the Chief of Defence Staff are still not clear. The Congress leader has also questioned if the advice of the Chief of Defence Staff would override the advice of the respective service chiefs. Manish Tewari also said that the government has started on a very wrong foot with regard to the CDS and that time would reveal the implications of this decision. देखिए, जहां काम होता है वहां अलग अलग तरह की कमेंट्री भी होती है, टिप्पणियां भी होती हैं. जहां तारीफ होती है, कुछ लोग तारीफ के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी करते हैं और हर चीज को राइट स्पेक्ट में लेने की जरूरत होती है. हम लोग जरूरी नहीं कि हर जगह तारीफ ही तारीफ पाएं, कहीं कमजोरी कमी भी रहती, मगर कुछ लोग आदतन क्रिटिसाइज करने के लिए मजबूर रहते हैं. तो उनका देखिए, अगर तो वो विदिन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ उनको हक है क्रिटिसाइज करें तो ठीक है. बहुत दुखद बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता के बाद नेता जो है हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे आर्मी, हमारे एयरफोर्स, उनके साथ मजाक करते हैं या उन पर राजनीतिक वार करते हैं. सड़क के गुंडे को लेकर उरी पे प्रश्न उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक पे, बालाकोट पे प्रश्न उठाना, कहना सिर्फ पेड़ जो है गिरे. और अब मनीष तिवारी जी का जो ट्वीट है, जनरल बिपिन रावत जी एक वरिष्ठ सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, देश की सेवा किया है, अभी कर रहे हैं एक नए रूप में. लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बार बार जो है सुरक्षा कर्मी, आर्मी और इन सबको राजनीति करते क्यों कर रहे हैं और किस कारण से कर रहे हैं? बंद नहीं करना चाहिए क्या? इट्स अ गुड थिंग दैट देयर विल बी यूनिटी ऑफ कमांड. इट इज द
CDS will be able to speak for all the chiefs and to the Prime Minister, to the Cabinet, and therefore it will enable the country to take quicker decisions. Mr. Rawat has been making several political statements, drawing serious criticism. And this is what we have been saying. It is Indian Army. Army should not be dragged into political controversies. And now the present government has rewarded him by appointing him as the CDS chief. What is going on? It has raised several questions. मेरे प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल में कोई भी अपॉइंटमेंट इतना प्रेडिक्टेबल नहीं दिखता था. ये कमाल का एक पद था. जिस दिन सृजन हुआ था उस दिन पता था कि इसके पहले वाहक कौन होंगे. ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इस भूमिका में वो बेहतरीन ढंग से अपने कार्य का निर्वहन करेंगे. I want to go across to India Today's editor defense, Abhishek Bhalla, who's with me live on the story. Abhishek, you know, while there may be many legitimate questions, about the appointment of the Chief of Defense Staff and the responsibilities that he has and whether he will be able to deliver on the many responsibilities that he has in fixing the higher management of defense, this very unseemly politics that has broken out, starting with the Congress, but stretching to the CPI, the RJD and other, leaders casting aspersions on this appointment and giving it a very political flavor, is bound to make people very, very uncomfortable in the military. But they must have been expecting it. Certainly, Shiv, as far as General Rawat is concerned, he's somebody who's always attracted political controversy. Mm. And that's why it's not a surprise to anyone that, there is politics over his appointment as the Chief of Defence Staff. Now, whether it's the choice of the Chief of Defence Staff that these people are questioning, or is it the position itself, that is a little confusing. But when you speak of military reforms and you speak to experts, you speak to veterans, you speak to serving officials in the military, all of them feel that the position of the Chief of Defence Staff was very, very crucial. Mm. And finally, after 20 years, we have a Chief of Defence Staff to move forward with synergy, jointness in the armed forces, which is considered to be the way forward. Incredible that the recommendation that was made 20 years ago by K. Subramaniam, who is considered by many people to be the father of strategic thought in India, he's the one who made that recommendation. So for the questions that are raised now, while some of them are legitimate, many of them are quite obviously politically motivated. Abhishek, we leave it there for the moment. Well, as General Bipin Rawat takes on the role of Chief of Defence Staff tomorrow morning, he will also be donning a new uniform. That's what a lot of people have been wondering about. Is it going to be a new uniform? Well, there will be some additions. Take a look. While the colour remains the usual olive green uniform, there are significant additions to it to represent the tri-service quality of the Chief of Defence Staff's office. On the shoulder will be a maroon patch with golden ranks to represent all three services. The cap, the peak cap of the CDS will also be different, with badges and accomplishments to represent the three services. The four stars on the collar that chiefs have will also be missing in the uniform of the CDS, as it represents a particular service. That is the belt buckle you see on your screen there. That's the peak cap with the tri-services emblem that the CDS will be donning as part of his formal new uniform. General Bipin Rawat demitted office as the Chief of Army Staff today. He takes over as India's first super chief, the Chief of Defence Staff, tomorrow. Listen in to what he had to say today as he demitted office as the country's 27th Chief of Army Staff. Today, as I demit the office of the Chief of Army Staff of the Indian Army, I wish to convey my gratitude and compliments to the soldiers, the rank and file of our Indian Army, who have stood steadfast under challenging circumstances and have performed their duty in keeping with the traditions of our armed forces. You think after your 3-year tenure, the troops are better prepared and better equipped?
to face the enemy in Pakistan and China both? Yes, better prepared. I would say yes, they are better. Well, days after anti-citizenship act violence rocked the state of Uttar Pradesh, leaving over 18 people dead and several injured, including police personnel, the Uttar Pradesh government claims that a direct link between the Popular Front of India and the violence that broke out in the state has been established. The Uttar Pradesh government under Yogi Adityanath, the chief minister, has approached the Union Home Ministry under Amit Shah, demanding a ban on the Popular Front of India. UP's deputy chief minister Keshav Prasad Maurya has also said that several former members of the banned group SIMI are now part of PFI. Earlier, the Uttar Pradesh police had arrested three members of the PFI, including the state PFI head, for provoking violence. The police claim that they have recovered many objectionable materials, including literature, WhatsApp chats, and CDs. इस पूरे प्रदर्शन में हमने कई संगठनों का की भूमिका देखी, उसमें पीएफआई भी एक है, और पीएफआई के कई एक्टिव सदस्य जो हैं, हमने उनको गिरफ्तार किया, उनके पास से हमने लिटरेचर प्राप्त किया, उनके पास से वीडियो मैसेजेस मिले हैं, उनके मोबाइल सेट्स मिले हैं जिसके डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और कई ऑब्जेक्शनेबल इस प्रकार के हमें सामग्री मिली है. उन सबों को हम विश्लेषण कर रहे हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसी के आधार पर हम चाहेंगे कि इस संस्था के बारे में हम अपनी रिकमेंडेशंस गृह मंत्रालय को दें. सर, क्या उसमें बैन करने की मांग की है आपने? सभी चीजों पर हम विचार कर रहे हैं और सभी बीचों सभी एंगल से हम इसका अध्ययन करेंगे. What does the government think about this proposal? Well, here's what Law Minister Ravishankar Prasad said today on the proposed PFI ban. That is a question to be considered by the Home Ministry based upon evidence. But is it not a fact that PFI have been involved in many criminal activities in Kerala itself? Is a sibling of SIMI, you know it very well. And I have got so much of documents about SIMI and PFI in your state, how many Supreme Court rejected their plea. Kerala government filed an affidavit in the High Court detailing how many murders, kidnapping they have done. That is there. Maybe the DGP is having some evidence that will be examined by the Home Ministry in law. Meanwhile, a day after Priyanka Gandhi Vadra's saffron jibe at UP Chief Minister Yogi Adityanath, a full-blown political war has broken out between the Congress and the BJP, and it is escalating. Leading the BJP's charge today, Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti slammed Priyanka Gandhi and said that the Congress General Secretary is backing those provoking violence and unrest. She also said that those backing rioters cannot be followers of Gandhi, and hence Priyanka must drop Gandhi from her name and instead call herself Priyanka Firoz. The Union Minister also raised Priyanka Gandhi's mother Sonia Gandhi's foreign lineage. The Congress has now hit back at the Union Minister and called it hate speech. Niranjan Jyoti's direct attack at Priyanka comes a day after she took on Yogi Adityanath, the chief minister of UP, head-on over violence in his state. She also slammed Yogi Adityanath for saying he dons saffron colour but does not follow Hinduism properly. जिस तरह से नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के कांग्रेस ने देश को गुमराह करने का प्रयास किया है, जनता देश की गुमराह होने वाली नहीं है. देश के अंदर गुंडागर्दी करने वालों के साथ खड़ा होना अच्छी बात नहीं है. देश की संपत्ति का नुकसान करने वालों के साथ खड़ा होना अच्छी बात नहीं है. प्रियंका गांधी को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अब बहुत हो चुका है. किसी का कर्जा लिया जाता है तो उसको मूल से चुकता करना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो नाम लिया है उधार में, अब उसको वापिस करें, ज़्यादा कर्जा लेके दुनिया से न जाए. आई कंडेम सच स्टेटमेंट्स एंड जस्ट इट इज ए हेट स्पीच. If you don't want to call anybody with their surname, it itself shows that you don't have much animosity, hatredness, and with that intention only, everywhere you are, the union ministers, their big leaders, including their BJP president, they speak such language. And it is their culture. ये पर्सनल ऐसे कमेंट्स करना उचित नहीं है. प्रियंका जी, आप अपनी खुद की मेहनत से और खुद की लगन से आज एक कांग्रेस के नेता हैं, लोग उनको मानते हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी है,
तो मैं समझता हूँ इस तरीके से व्यक्तिगत कोई कीचड़ उछालना उचित नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से सीधे सीधे इस तरह से धमकी भरा ट्वीट आ रहा है कि जो रास्ते में आएगा उसे हटा दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये देखिए, ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि हम ऐसे कोई बयान वहाँ से दे दें और किसी के बारे में ऐसा कहें, तो बिल्कुल उचित नहीं है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही काम होना चाहिए। I want to go across to Anand Patel, live with me from Delhi. Anand, how are you reading this? You know, this is a very familiar kind of spat that has broken out over saffron robes and Hindu dharma. You know, we saw this kind of language during the 2019 election campaign to the Lok Sabha. Priyanka Gandhi seems to be following that same mantra now as well. You know, is this something that's going to click, get her some more traction this time? Well, that remains to be seen, because this is a long drawn battle, Shiv. The battle for UP is still quite a few years after 2023. But certainly, Priyanka Gandhi has been capturing a lot of eyeballs through her repeated attacks on Yogi and his government. And yesterday, when she did this press conference over the alleged excesses committed by the Yogi government police against the anti-CAA and NRC protesters, she also made a personal attack against Chief Minister himself and reminded him of the Raj Dharma and the saffron clothes which he wear. And she also said that he should follow the Hindu dharma, which in religious and spiritual spirit, because that is what the religion teaches us. Mm. To which the Yogi government and his office responded by saying that the chief minister has taken up this cause of nation building, and he's treading that path, and whosoever tries to come in that path will be punished. So this was a reference to all those violators and who disturbed the peace in the state and the action taken against. But it was completely needless for a union minister to jump in this, because perhaps she might have taken it personally, because she also wears that saffron color clothes. Right. So, but you know, she is someone who's always in news for, you know, all wrong reasons, making comments certainly uncalled for, and that too so personal against Priyanka Gandhi. So it was Niranjan Jyoti today, it might be somebody else tomorrow, and like you rightly pointed out, this is only the latest in what could be a series of flashpoints. The UP elections are still quite a while away, only in 2022, and therefore Priyanka Gandhi, who, remember, also said earlier this year that the real aim of the entire strength of the Congress is now going to be focused on the UP elections. Anand, thank you very much for that. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.